गंगापुर से गंगाराम आधम के यहाँ यहीं रहेंगे, यहीं खाएंगे पिएंगे और हमारी छाती पर चक्की चलाएंगे। देखो फलवा भैया, ये मजाक के वक्त नहीं है, ये जबरदस्ती के मेहमान से हमारा पीछा छुड़वाओ और कोनो तरकीब निकालो। अरे हाँ हाँ बाबा, शिवरात्रि के शुभ अवसर पर हम तुरे घर आकर ऐसा मंत्र फेरेंगे कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। गंगाराम, काम बहुत मुश्किल है, फिल्म कोई दाल भात का कौर नहीं कि चट से उठाए और पट से मुंह में डाल लिए। अरे मुन्ना भाई को ही ले लो, अपने मुन्ना भाई, घर छूटा, माँ छूटी, अपनी जवानी बर्बाद हो गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बस अब किसी भी दिन वो किसी फुटपाथ पर शराब पीकर मरे हुए पाए जाएंगे भैया। आज के बाद फिर कभी मैदान छोड़कर जाने का ख्याल मत रखना। ठीक है, हमको फिर हिम्मत आ गया। आ गई तो जाने मत देना। नमस्ते चाची। हाँ नमस्ते। फुलवा काका है? हाँ है ना, आओ। नमस्ते फुलवा काका। नमस्ते नमस्ते। अरे प्यारे, कल मैं तेरे घर आया था, किधर था तू? और भैया काम कब वापस जा रहे हो? फुलवा काका, हाँ? एक बात बताइए, जब आप शुरू शुरू में बम्बई आए थे तो आपको तुरंत ही काम मिल गया था। अरे मुंबई में तुरंत ही कुछ नहीं मिलता। तो आप गांव वापस काहे नहीं चले गए? अरे भैया, हमरे नसीब में यहाँ का रोटी लिखा रहा तो यहाँ ही रहेंगे ना। गंगाराम के नसीब में भी इधर का ही रोटी लिखा है फुलवा काका, नहीं लिखा है तो आप लिख दीजिए। क्या बोलते है रे, अपन एक मामूली स्पॉट बॉय, अपन क्या कर सकता है, नसीब लिखने वाला ऊपर है लेकिन नसीब बदलने वाला आदमी खुद। सुनिए फुलवा काका, गंगाराम के नसीब तो आप बदल रहे हैं गांव वापस भेजकर। नहीं, हम कुछ नहीं बदल रहे, तोरा बाप हमसे कुछ कह रहा, वही हम इसको समझा दिए। अब मैं बोलता हूँ, गंगाराम यही मुंबई में रहेंगे और इनकी नसीब बदलने में आप हमारी मदद करेंगे। अबे तू कुछ बोलता है, तेरा बाप कुछ बोलता है, है? आखिर ये सब माजरा क्या है? सीधी सी बात यह है फुलवा काका, है? कि मेरे बाबूजी नहीं चाहते ये फिल्म में काम करे और मैं चाहता हूँ ये फिल्म में काम करे। अरे चाहने से सभी कुछ मिल जाता है क्या? अरे चाहने और कोशिश करने से तो होगा ना। प्लीज फुलवा काका, गंगाराम कोई मामूली कलाकार नहीं है, गांव में इसको नौटंकी का बादशाह कहते हैं। क्या बोला? नौटंकी का बादशाह हम नहीं कहते, अखबार में हमारा फोटो छपा है, ये देखिए। अरे रहा दो। नहीं नहीं दिखाते ना, तुम कहते हो तो माने लेते हैं, लेकिन वो कहे की बात है, गंगाराम आगे बढ़ गया ना तो हम दोनों की चांदी है, हम भी कहीं आगे पहुंच सकते हैं। इसके पास माल वाले है कि नहीं? पूछा तो नहीं, गांव से बम्बई आया है तो कुछ तो होगा। कुछ से कुछ नहीं होता, वैसे अच्छे घर का है, बहुत जमीन है, खेती बाड़ी है, वो क्या है, बचपन से नौटंकी का शौक था इसलिए सब छोड़ छाड़ के एक्टर बनने बम्बई चला आया, अगर जरूरत पड़ी तो खुद ही अपनी एक फिल्म बना डाल सकता है। तुम्हें कैसे मालूम? मुझे नहीं मालूम तो किसे मालूम, मेरा मौसेरा भाई है, अम्मा ने सब कुछ बताया, अम्मा से पूछ लो। इस अम्मी का कितने भाई हैं? एक ही लड़का है, बाप मर गया अब सिर्फ माँ बची है। अच्छा तो ये बात है। अरे गंगाराम जी, आप वहाँ क्यों खड़े हैं? अरे भाग्यवान, कुछ चाय वाय पिलाओ इन्हें। आओ आओ आओ, आओ गंगाराम। देखो कल का बात भूल जाओ, आओ यहाँ।
देखो आज से हम तोरे वास्ते एक नया कार्यक्रम शुरू करते हैं। देखा गंगाराम क्या कहा था मैंने, तुम्हारी नैया फुलवा काका ही पार लगाएंगे। तो आज से हमारे भी फुलवा काका। अरे अरे रहा दो भैया बैठो। देखो भैया सबसे पहले फोटो खिंचाना पड़ेगा। फोटो? डायरेक्टर को पहले फोटो ही दिखाना पड़ता है। लेकिन हमारे पास है एक तो फोटो, हम गांव में खिंचवाए रहे हवाई जहाज में बैठ के, बहुत बढ़िया फोटो है। अरे वो फोटो यहाँ नहीं चली, और फोटो खिंचाना पड़ेगा, बढ़िया 7-8 फोटो अलग अलग एक्शन में, जैसे हंसते हुए रोते हुए गाना गुनगुनाते हुए, गाना गाते हुए, उछलते हुए, मार खाते हुए, मारते हुए, इस तरह के 7-8 फोटो खिंचाने पड़ेंगे। आज ऐसे कार्यक्रम शुरू कर देते हैं, आज हमारी शूटिंग में फोटोग्राफर आने वाला है। लगे हाथ मैं भी अपना फोटो खींचवा लूंगा। देखो पहले नौटंकी का बादशाह, बाद में तुम। तो शूटिंग में फोटोग्राफर भी आता है? हाँ, अरे फोटो का ही तो सारा खेल है भैया। अच्छा, अरे भाग्यवान चाय लाएगी कि नहीं? आ गई। हेलो, ले तुम भी लो ना। हाँ लेते हैं, और देखो हमारे बढ़िया वाले कपड़े निकालो, हम जा रहे हैं स्टूडियो में शूटिंग देखने। अरे अबू उस दिन की तरह होशियारी नहीं करना, दांत निकाल देता है, निकाल देंगे बाहर। ए किधर फुलवा जी। अरे आने दो उसको, अपना ही आदमी है, डायरेक्टर साहब ने बुलाया। गंगाराम आओ। ए आओ आओ, ये देखो ये है फिल्म स्टूडियो, बहुत बड़ा स्टूडियो है, फिल्म सिटी, यहाँ फिल्म का शूटिंग होता है, देखोगे ना? अरे काहे नहीं, नेकी और पूछ। तुम दोनों साथ ही आ गए, बहुत बढ़िया किए। आओ हम तुमको फिल्म का शूटिंग दिखाते हैं, और कैमरामैन से भी मिला देंगे, थोड़ा फोटो खींच लेगा। हाँ, फोटो? फुलवा काका, हाँ? लगे हाथ हम भी फोटो खींचवा लेंगे। ठीक है खींचा लेना। आओ, आओ आज हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ? कि आप हमारे बारे में से सोच रहे हैं, काहे कि शिवरात्रि वाली बात से तो हमको यकीन ही नहीं हो रहा था कि आप हमारा मदद करेंगे। अरे हाँ? दोस्त फुलवा काका को हम अच्छी तरह जानते हैं, बहुत नेक आदमी है, इसलिए तो हम तुम्हें इनके पास ले आए। अरे बाप रे फुलवा काका, वो रामबिलन भाई आ रहे हैं, हम लोगों को साथ देके खिसिया आ जाएंगे, तनिक संभाल लीजिएगा। हाँ फुलवा काका, नहीं तो आज हमारी खैर नहीं। अरे तुम फिक्र नहीं करो, हम सब संभाल लेंगे, हम ही इनके बुलाए थे भाई, कोई टाइम है आने का? हम कहते 11 बजे आना, अब इन्हें चले आए। अरे गंगा तुम, वो भी फुलवा के साथ? कल रात की बात समझ में नहीं आई का, क्या कोनो बात है? अरे नहीं राम मिलन भैया, ऐसन वैसन कोनो बात नहीं है, गांव जाने से पहले शूटिंग देखना चाहते थे, हम कहे के लाओ इनकी आखिरी इच्छा पूरी कराए थे, यही की खातिर हम दोनों को शूटिंग देखने के लिए बुलाए हैं। हाँ तब ठीक है, अब जैसा कि तुमने कहा शाम को गांव जाके टिकट लेके आना। अरे तुम्हारे संग में ये प्यारे का पढ़ाई लिखाई भी चौपट हो रहा है, समझ में आई बात? अरे नहीं समझ आएगी तो हम समझा देंगे, आखिर इलाज की खातिर तो हमारे पास आए रहे ना। बाबूजी से मिलिए। हाँ हाँ मिलिए। तो फिर जाओ शाम को टिकट लाना जरूर। अरे वाह फुलवा काका। कमाल का झूठ बोला है आपने, नहीं तो हम समझे आज हमारा भेद खुला और गंगाराम का टिकट कटा। ऐसे तो हम जाने वाले नहीं है। चलो इधर से। रेडी? शाबाश सीधा। हाँ हाथ निकालो। हाँ उधर देखो ऊपर, वन मोर सीधा। हाँ यस सीधा। हाँ हाथ
आथा यस ऐ शाबाश रेडी एक्शन चश्मा लगाओ ऐ हीरो पीछे मुड़के देखो हंसो सीधा हाँ नीचे ऊपर हाँ चलो अरे हाँ चलो हो गया कब मिलेगा ए, कल शाम को दे देना सूरज डूबने से पहले हाँ दे दूंगा सर चलो तुम फ्लोर पे चलो आओ चलो आज हम बहुत खुश हैं जौन हवेली का दरवाजा हम ढूंढ रहे थे वो हमको मिल गया आज अरे दोस्त एक दिन हवेली के अंदर घुस जाएंगे देखना ये फुलवा काकत बहुत काम के आदमी हो अरे प्रोड्यूसर का खास आदमी है हमने सब पता लगा लिया है लेकिन एक बात का डर है हमको कहीं राम मिलन भैया उनका फिर से दिमाग ना खराब कर दे फुलवा काका को तुम्हारे असलियत का पता चल गया है अब वो तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे देख लेना चलो देखते हैं आओ आओ भैया पता है हम आज क्या हुआ हाँ। क्या हुआ वो बाबूजी क्या हुआ ना हम घूमने गए थे ना शूटिंग देखे बहुत बढ़िया शूटिंग हाँ। कहाँ वो घूमने गए थे ना उधर ही शूटिंग हो रही थी अच्छा तो जिधर घूमने गए थे उधर शूटिंग हो रही थी कि जिधर शूटिंग हो रही थी उधर घूमने गए थे अरे तो नजर का सामने कौनो तमाशा चल रहा हो तो का आदमी आंखें मूंद लेगा का चलो रुको गंगाराम रेलवे स्टेशन जाके अपना टिकट ले लो नहीं तो पैसा तो हम लाके देंगे सुन लियो जी जब तक गंगा का मन करेगा वो यही रहेगा अब उसकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती उसको धक्का देके काहे को भगाना चाहते हैं जी गंगाराम हमने कोनो जबरदस्ती की जाने के लिए तुमने ही जाने के लिए हाँ बोला था कि नहीं अरे दत्त आप लोग काहे झगड़ रहे हैं भाई अरे जिस दिन राम मिलन भैया कहेंगे दिल से उस दिन अपना फौरन बोरिया बिस्तर बांध के गाँव चले जाएंगे हाँ कौन जरूरत नहीं तुम नहीं जाओगे जाएगा नहीं जाएगा जाएगा अरे वाह घर की मालकिन हम है तो आप जाने का हुक्म कैसे दीजिएगा ओ समझ में आया कि खोली तुम्हारे नाम करके हमने बहुत बड़ी बेवकूफी की है अरे आओ आओ दरवाजा खुला है नमस्ते फुलवा काका नमस्ते आओ आओ बैठो बैठो देखिए हम फोटो ले आए हैं हमने सोचा सबसे पहले आप ही को दिखाया जाए काहे कि से आपके ही हाथ में सब कुछ है ये देखिए अरे भगवान दूध चाय तो लेकर आओ ये देखो हम चाय पी रहे हैं तुम्हें खोल खोल के दिखाओ हमको ये देखो ये बहुत बढ़िया बढ़िया है ना देखिए हाँ बहुत बढ़िया फोटो खींचा अब ये बताइए किसको दिया जाए फोटो देखो गंगाराम पहले ही फोटो हम अपने प्रोड्यूसर को देंगे फिर एक सेक्रेटरी ढूंढना होगा जो नया आदमी होता है ना उसका सेक्रेटरी अलग होता है उसको पहले आने जाने का मतलब कन्वेंस देना पड़ता है दूसरे 300 रुपया महीना और जब काम मिल जाएगा तो उसे जितने पैसे मिलेंगे उसका 10% देना होता है अरे काम तो मिलने दीजिए हम आधा पैसा दे देंगे ससुरे को अच्छा अच्छा किलो चाय आगे चाय पियो दो दो उनको भी दो लो चाय लो हाँ अरे पहले काम तो मिल लेने दो फिर हम कोई सेक्रेटरी ढूंढ के दे देंगे एक काम करो दो ही फोटोग्राफ हमारे पास छोड़ दो फिर जब सेक्रेटरी मिल जाएगा तो बाकी उसको दे देना ठीक है चाय पियो फुलवा काका मैं भी अपना फोटो छोड़ जाऊं ठीक है तुम भी छोड़ जाओ लेकिन तुम्हारा हिसाब किताब अलग जब तक कोई सेक्रेटरी नहीं मिलता हम ही दौड़ भाग कर लेंगे है? तो ठीक है फिर हम आने जाने खर्चा आप ही को दे देंगे जैसा आपका मर्जी अरे अरे फोटोग्राफ कहाँ ले जा रहे हो ऐसा है कि पहले हम अपनी भौजी को दिखाएंगे ठीक है बाद में हमको दे देना हाँ हाँ सब आपके लिए ही तो है ठीक है तो फिर चलते हैं फिर हाँ लेकिन वो भाग दौड़ का खर्चा पेज की 300 रुपए नहीं है 200 दे दो दे दो दे दो अरे लेकिन 200 ही तो बचा हमारे पास तो ठीक है जाने का भाड़ा मैं दे दूंगा चलो ठीक है फिर हम कल फिर आएंगे हाँ जी हाँ नमस्ते नमस्ते फोटो लेके आना हाँ हाँ क्या गंगा भैया कहाँ से आ रहा है कुछ काम आप मिला कि नहीं नहीं अभी तक तो नहीं मिला लेकिन बहुत जल्दी ही मिल जाएगा और ये हाथ में क्या लिया है ये स्टिल फोटो दिखा देखो जरा नौटंगी का बादशाह फोटो में कैसा दिखता है
कैसे लगे गंगाराम की फोटो? एकदम नौटंकी बाज दिखता है फोटो में। अरे हमसे बोला होता हम तुम्हारा फोटो एकदम फर्स्ट क्लास खिंचवाता। पहले अपना फोटो खिंचवा लो, जल्दी काम मिल जाएगा। आप हमेशा दूसरे का बुरा सोचते हो, इसलिए आपका भला नहीं होता। अरे वाह, सच्ची बात बोला तो मिर्ची लग गई। अरे इस फोटो को देख करके कोई प्रोड्यूसर अपनी फिल्म में मरे सिपाही का भी रोल नहीं देगा। मुन्ना भाई, ये तो समय ही बताएगा कि हमको काम मिलता है कि नहीं। आप अपना चिंता करिए। समय क्या बताएगा, अपन को इस लाइन में 10 साल का तजुर्बा है। खैर छोड़ो, एक काम की बात सुनो, SL स्टूडियो में एक आज नई फिल्म का मुहूर्त है। उसका डायरेक्टर अपन का खास यार है, वहाँ चले जाओ। उस फिल्म में एक चपरासी का रोल खाली है, अपन का नाम ले लेना, काम बन जाएगा। मुझे लगता है गंगाराम से ज्यादा आपको काम की जरूरत है, आप ही क्यों नहीं कर लेते वो रोल? क्या बात करता है, अपन छोटा मोटा रोल नहीं करता, रनिंग रोल करेगा, रनिंग, समझा क्या? इसीलिए प्रोड्यूसर के पीछे पीछे रनिंग कर रहे हैं 10 साल से। अरे कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता मुन्ना भाई, काम काम होता है, और असली कलाकार वही है जो हर काम को अच्छे से कर ले। चलो चलो, बेवकूफ आदमी है। ला 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 ला। कैसी है अम्मा? बहुत अच्छी है रे, मगर इतनी सारी फोटो काहे को? जरूरत पड़ती है अम्मा, फोटोग्राफर ने कहा जरूरत पड़ेगी तो और बना देगा। क्या हुआ? किसका फोटो है ये? हम लोगों का। लाइ इधर दिखा, दिखा। काहे खिंचवाए फोटो? बस ऐसे ही। तुम बताओ गंगाराम। अरे फिल्म में काम करने के लिए फोटो का जरूरत तो पड़ेगा ना। फिल्म में काम करना है? अरे ये तो फिल्म में पगलाए गए, तुम काहे फोटो खिंचवाए? फिल्म में काम करना है का? गंगाराम फोटो खिंचवा रहे थे तो लगे हाथ हम भी खिंचवा लिए। कितना पैसा खर्चा किया? अरे तक का हुआ जो इतना महाभारत मचा रहे हैं? का हुआ ये देखा, देखा ही। अरे फोटो तो बढ़िया है जी। हाँ बाबू जी, फिल्म कंपनी में बांटेंगे तब ना काम मिलेगा। चुप कर, बहुत हो गया फिल्म का नाटक। क्या कह रहे हैं हम है? तुम्हारे दुलरवा को भी फिल्मी बीमारी लग गई है, शाहरुख बने। अरे सब एक संगत का सर है। अरे फोटो खिंचवा लिए तो कौन पाप होएगा वहाँ का? आप काहे किसी आ रहे हैं, सारा पैसा तो हम खर्चा किए, ये तो एक को पैसा बर्बाद नहीं किया। तो ये हम मुफ्त में रोटी खा के जो पैसा बचा तो यही फंटूसी में खर्चा करने के लिए। खबरदार, जो फिल्म लाइन में काम करने का नाम लिया तो समझे बाबूजी गुस्सा। चुप। और गंगाराम तुम्हारा ये नाटक नौटंकी बहुत हो गया, अगर चुपचाप घर से बाहर नहीं गया ना तो हम तुम्हारा सामान उठा के बाहर फेंक देंगे, समझे? कहा बोल रहे हैं जी? ठीक बोल रहा हूँ मैं। अरे आज तक के तुम्हारा ख्याल करके हम ढील देता रहा हूँ कि अपने आप चला जाएगा, लेकिन अब हम निकाल के रहूंगा। नहीं नहीं, आप काहे निकालते हैं, हम खुद ही निकल जाएंगे। अरे नहीं भैया। तो ठीक है, तो रखो अपने घर के मुकुट के अपने माथे पर, या तो ये घर में रहेगा या हम रहेंगे। अगर ये घर से नहीं जाएगा ना तो हम चले जाएंगे। अरे क्या हुआ जी? बाबूजी ठीक तो हो जाएंगे ना डॉक्टर साहब? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाने से इनकी तबीयत खराब हुई है। कब तक होश में आ जाएंगे डॉक्टर जी? सुबह तक होश में आ जाएंगे। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि इनके सामने कोई ऐसी वैसी बात ना हो जिससे इनकी टेंशन बढ़े, जिससे इनकी तबीयत और खराब हो सकती है, समझे? हम समझ गए डॉक्टर साहब, इसलिए गंगाराम को फुलवा काका के यहाँ भेज दिया। ये दवाइयाँ बाजार से ले आना और होश में आने के बाद एक एक गोली सुबह शाम दे देना। और पहली गोली? वो जैसे पहले देते थे वैसे देते रहना। ठीक। अरे ये क्या है दोस्त, फिर से जाने की तैयारी? हाँ तुम पक्का चले ही जाएंगे। लेकिन क्यों? अरे इतना सब कुछ हो गया और पूछते हो क्यों? आज जो भी हुआ वो हमारी वजह से हुआ, हम नहीं चाहते कि
राम मिलन भैया की जान हमरी वजह से जाए। बजरंगबली उनको बहुत लंबी उम्र दे भाई। लेकिन दोस्त हमने तो फैसला। नहीं दोस्त, आज मत रोकना हमको। हम तुम्हारी भावनाओं को समझते, अब तुम हमारी भावनाओं को भी समझो। हम यहाँ प्यार पाने के लिए आए थे, प्यार छीनने के लिए नहीं। तुम गांव चले जाओगे? गांव कौन सा मुंह लेकर जाएंगे, और यहाँ भी कौन सा मुंह लेकर रहेंगे, देखते हैं। जौन बजरंग बली की इच्छा होगी। मुझे मालूम है दोस्त, मैं तुम्हें यहाँ और रुकने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन मेरी एक बात मानो। तुम साधना दीदी के वहां चलो, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ। का गंगा बक्सा लेके कहाँ जा रहा है? आज हमारा दोस्त हमें छोड़कर जा रहा है अम्मा। काहे गंगा, हमसे कानो भूल हो गई का भैया? आप तो देवी हैं भौजी, भूल तो हमसे हो गई। जो रामबिलन भैया के मर्जी के बिना हम यहाँ इस घर में इतने दिन रहे, हमारे वजह से ही रामबिलन भैया की हालत हो रही है। हम भैया को और चिंता में नहीं डाल सकते, हम जाते हैं। प्रणाम। हम बड़े धर्म संकट में पड़ गए भैया। भौजी, हम तो समझते हैं कि एक पत्नी को अपने पति के प्राणों की रक्षा करने से बड़ा धर्म कौनो नहीं है, और एक भाई को अपने भाई की जान की रक्षा करने से बड़ा धर्म भी कौनो नहीं है। इसलिए हमको अपना धर्म निभाने दीजिए भौजी। भगवान ऐसा देवर हर भौजी को दे। पर तुम जाओगे कहाँ? हम इन्हें साधना दीदी के वहाँ ले जाएंगे। अच्छा अच्छा, लेकिन घर से निकलते वक्त खाली पेट नहीं निकलते। ही लो, दुर्गा मैया का प्रसाद। जय हो दुर्गा मैया। राम मिलन भैया की तबीयत जल्दी ठीक कर दो। अच्छा भैया चलते हैं, कहा सुना माफ करना हमको। दोस्त, रामलीला भैया का तबीयत ठीक नहीं है, हम चले जाएंगे, तुम यहीं रहो। अरे भैया गंगाराम, कोशिश करने से ही तो फल मिलता है। हिमालय पे चढ़ने वाला अगर पहले ही सोच लेता कि कितना मुश्किल काम है, तो वहाँ पे झंडा फहरा पाता। हिम्मत तो बहुत है गुरुजी, लेकिन कितना बड़ा महानगरी, कोई जान ना पहचान, स्टेशन से उतरकर कहाँ जाएंगे, किसके पास रहेंगे, हैं? अब कितना पैसा का दरकार होगा ये भी तो नहीं मालूम। अब अगर वापस आना पड़ा तब क्या करेंगे, हैं? टिकट का पैसा भी तो अंटी में होना चाहिए कि नहीं, बस यही फिक्र हमको खाए जा रहा है। रात भर हमको नींद नहीं आया गुरुजी। अरे भाई, जब तक नदी में कूदोगे नहीं तब तक तैरना कैसे सीखोगे? देखो, जिसका इरादा पक्का होता है ना, वो मंजिल पे नजर रखता है, ये नहीं सोचता है कि रास्ते में कितना मुश्किल आएगा। गंगाराम, देखो पूरा गांव चाहता है कि फिल्म या टीवी के पर्दे पर तुम दिखो, इसलिए सबकी शुभकामना तुम्हारे साथ है, सिवाय अर्जुन के। कुंती। हमारी निशानी। अरे ये तो बहुत खुशबू मार रहा है भाई। हाँ? बहुत हिफाजत से रखना। हाँ वो तो रखेंगे। और ये कौन सा डिजाइन है? ये डिजाइन नहीं है। हाँ? ये गा अक्षर है, गा से गंगाराम। अच्छा, गा से गंगाराम। ठीक है। और का से का? का से का? इतना भी नहीं समझे, का से कुंती। अच्छा, गा से गंगाराम और का से कुंती। चलो, गा और का तो सीख लिया, बाकी देखा जाएगा। जी नहीं, का खा गा घा सब सीखना पड़ेगा। चलो, तुम कह रही तो सीख ही लेंगे, नहीं तो जिंदगी भर पीछे ही पड़ी रहोगी। गंगा जी उठिए। अरे सुबह होगी? कब की, विद्यार्थी को तो सुबह जल्दी उठकर पढ़ना चाहिए, सुबह सुबह की पढ़ाई दिमाग में अटती है। और आप हैं कि बस सोए हुए, चलिए जल्दी उठकर तैयार हो जाइए और पढ़ने बैठ जाइए। वो क्या है कि यहाँ बैठे बैठे गांव की याद आई और बस हम गांव के सपने में खो गए, पता ही नहीं लगा कि सुबह कब हो गई। लगता है आपको गांव की बहुत याद आ रही है। हाँ, कल से मन नहीं लग रहा है, लगता है हमको गांव वाला बहुत याद कर रहा है। चिट्ठी लिखकर छोड़ दो, समाचार मिल जाएगा और तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा। साधना जी, एक बात बताइए, हम कब तक अपने गाँव की चिट्ठी लिखकर भेज सकते हैं? ये तो तुम्हारे लगन और मेहनत के ऊपर है, तुम जितनी जल्दी चाहोगे उतनी जल्दी लिखना पढ़ना सीख जाओगे। ठीक है, हम अपने हाथों से जल्दी ही चिट्ठी लिखकर गांव भेजेंगे।
उसके लिए तुम्हें जल्दी सुबह उठकर पूरा समय देकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। हमको मंजूर है। वादा? हाँ वादा। कैसी तबीयत है जी? ठीक है, थोड़ा कमजोरी। ये प्यारे कहाँ गए? प्यारे? ओ प्यारे, बाबूजी बुला रहे हैं, आ जाओ। वो काट देना जरा। ओ देखो बेटा, ये फिल्म प्रोड्यूसर मोहन कुमार जी का टेलीफोन नंबर है। हम उखरे यहाँ कारपेंटरी का काम किए हैं। उनसे फोन करके कहना कि राम मिलन की तबीयत बहुत खराब है, थोड़ा रुपया पैसा मिल जाए तो पूछना कब आना है, हैं? अच्छा बाबूजी। और सुनो, जरा ढंग से बात करना, कहना रुपया पैसा की बहुत ही जरूरत है। ठीक है बाबूजी। हैं? काई गंगाराम सचमुच यहाँ से चला गया? हाँ, बहुत दुखी था बेचारा, जाते जाते आपके पांव छूकर माफी मांग रहा था। अरे माफी तो हमको मांगना चाहिए था, जन हमने ओखरे दिल दुखाया, जो कुछ हुआ ओखरे बहुत अफसोस है हमका। गंगाराम एक सीधा साधा भोला भाला इंसान है, लेकिन हम भी का करते, एक छोटा सा घर, छोटा सा हमारा काम, और ये मुंबई की महंगाई, और ये महंगाई में तो अपने परिवार का पेट भरना मुश्किल होता है, तो हम चाह के भी एक मेहमान को अपने घर में नहीं रख सकते ना। दुर्गा माई करे, गंगा किसी पर भार ना हो, बल्कि दस दस लोगों का भार उठाने लायक हो। गंगापुर का गंगाराम, कलाकार है नामी है नौटंकी बाज, बड़े बड़े सपने वो देखे जाने माने गांव समाज, कितना भी हो जाए नाम बने नहीं विद्या बिन काम, कितना भी हो जाए नाम बने नहीं विद्या बिन काम, कहता है भाई गंगाराम। गंगापुर